आज मैं फील्ड में आ गया हूँ और बहुत ही शानदार वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। हेलमेट से एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, ट्रैक्टर से और कार से। ये चार तरह के हेलमेट यहाँ पे रखा हुआ है एक लाइन से। हर एक हेलमेट हर एक तरह का है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हेलमेट है। ये हेलमेट है डुप्लीकेट, ये ओरिजिनल है, और ये हाफ हेलमेट है, और ये बहुत ही हेवी हेलमेट है। हर एक हेलमेट पे मैं कार का टायर चढ़ाने जा रहा हूँ, और टोटल कार का वजन हेलमेट पे जाने वाला है। उसके बाद मैं ट्रैक्टर चढ़ाऊंगा, और ये कितना लोड सह पाता है, कौन सा हेलमेट पहले टूट जाता है, कौन सा हेलमेट नहीं टूट पाता है, और जो कमजोर रहता है वो जल्दी टूट जाता है। और बहुत सारे मार्केट में बहुत जगह पे हेलमेट का कैंप लगा रहता है, हेलमेट बिकता रहता है, बहुत सारे जगह पे हेलमेट का दुकान रहता है, और उसमें डुप्लीकेट हेलमेट बिकता है, और वो हेलमेट हर लोग खरीद लेते हैं और वही पहन करके चले जाते हैं। तो जान की सेफ्टी के लिए यदि हेलमेट खरीदना चाहते हैं तो कंपनी का ले, बढ़िया वाला ले। तो वही अभी दिखाने जा रहा हूँ कि कौन सा हेलमेट डुप्लीकेट है जो जल्दी टूट जा रहा है। ये डुप्लीकेट है, इसको फर्स्ट एक्सपीरियंस करेंगे टूटता है कि नहीं, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डुप्लीकेट हेलमेट पे कार चढ़ाने जा रहा हूँ। ये है डुप्लीकेट हेलमेट, मैं टायर के आगे रखता हूँ और उसके बाद कार चढ़ाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कार चढ़ने से ही टूट जा रहा है, ये कैसा डुप्लीकेट हेलमेट है, ये कभी भी जान नहीं बच सकता है ऐसा हेलमेट से। तो ऐसा हेलमेट बिल्कुल ना पहने, क्योंकि ये डुप्लीकेट हेलमेट है दोस्त। ये देखिए दोस्तों क्या हाल हो चुका है हेलमेट का, और अंदर इसमें क्या चीज रखा हुआ है वो आप देख सकते हैं, और किस तरह से बनाया हुआ है ये। ये देखिए दोस्तों डुप्लीकेट हेलमेट का क्या हाल हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ कार चढ़ाने से ये हाल हो चुका है डुप्लीकेट हेलमेट का, पूरा टूट गया है ये। तो इस तरह का हेलमेट आप न खरीदें और न पहने, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट में ये जान नहीं बचा सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों हेलमेट सेम कंपनी का है, लेकिन दोनों डिफरेंट दाम का है, दोनों दो प्राइस का है। ये जो हेलमेट है ये बहुत कम दाम का है, और ये है वो ज्यादा महंगा है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ये इंडिकेटर लगा हुआ है, जो पीछे से लाइट आएगा, पीछे से कोई गाड़ी आएगा तो इस पे रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, और यहाँ पे देख सकते हैं एयर जाने के लिए बना हुआ है। तो ये ज्यादा दाम का है और ये कम दाम का है, लेकिन दोनों सेम कंपनी का। तो ये देखिए दोस्तों, ओरिजिनल हेलमेट का क्या हाल हुआ है, ये बहुत ही लोड सहा है, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा हुआ है इसको तोड़ने के लिए, और बहुत मुश्किल से इतना टूट पाया, अभी पूरी तरह से नहीं टूटा है। अभी इसको तोड़ने का कोशिश करता हूँ, पूरा अभी भी बचा हुआ है, और ये ओरिजिनल हेलमेट होने के कारण इतना मुश्किल से टूटा है। और देखते हैं दोस्तों और पूरा इसको तोड़ने की कोशिश। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली ये ओरिजिनल हेलमेट टूट चुका है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से टूटा है, बहुत बार गाड़ी आगे पीछे, बहुत बार गाड़ी इस पे चढ़ाने के बाद टूटा है, ये हेलमेट ओरिजिनल है इसलिए। लेकिन इसमें एक बात बहुत ही खास है दोस्तों, यहाँ पे फाइबर का जो ये पारदर्शी प्लेट लगा हुआ है ये नहीं टूट पाया, इतना बार गाड़ी चढ़ने के बाद देख रहे हैं दोस्त, पूरा अभी क्लियर है, बहुत ही अच्छा से अभी ये इसमें लगा हुआ है और ये नहीं टूट पाया है। लेकिन हेलमेट तो टूट गया है, बहुत ही मुश्किल से टूटा है, बहुत बार गाड़ी चढ़ाने के बाद टूटा है, लेकिन इसका अभी भी खोलिया जो
बचा हुआ है, बीच से चिरा गया है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही मजबूती के साथ बना हुआ है, अभी भी पूरी तरह से नहीं टूट पाया है। और इसके अंदर जो भरा हुआ था वो भी बहुत ही अच्छा मटेरियल था और बहुत ही मोटा मटेरियल था, तो वो देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर का पार्ट ये है, ये बहुत ही मोटा है और बहुत ही हैवी, ये दबने से नहीं दब रहा है, इसलिए ये हेलमेट बहुत ही आपको सेफ्टी देगा। और ये बहुत ही गद्दीदार यहाँ पे लगा रहता है, इस तरह से आप ओरिजिनल हेलमेट ही खरीदें और हमेशा ओरिजिनल हेलमेट पहन करके ही चले, क्योंकि रोड में एक्सीडेंट में आपकी जान बचा सकता है सिर्फ हेलमेट।